अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सेहत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सूत्रों के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिथुन चक्रवर्ती 73 साल के हैं। शनिवार सुबह यानी 10 फरवरी को अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और बेचैनी महसूस हो रही थी। इसमें तबीयत बिगड़ने से पहले उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई है। मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह मिथुन चक्रवर्ती अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी तबीयत को बिगड़ता हुआ महसूस किया। वे वहीं पर बैठ गए, जिसके बाद टीम ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। खबरों की माने तो मिथुन चक्रवर्ती को अस्पताल ले जाते वक्त उनके साथ एक्टर सोहम चक्रवर्ती भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि सोहम के कहने पर ही फिल्म की शूटिंग कोलकाता में की जा रही थी। मिथुन चक्रवर्ती के अलावा उनके आने वाली फिल्म में सोहम चक्रवर्ती के अलावा देवाश्री राय भी अहम किरदार में नजर आएंगे। दिग्गज एक्टर फिल्मों के साथ साथ पिछले कुछ सालों से राजनीति में भी एक्टिव हैं। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।